हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल्स किचन एक्सप्रेस। तो आज हम आपके साथ में बचे हुए चावलों से एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने यहाँ पे रात के बचे हुए चावल लिए हैं। इन चावलों को हमने मिक्सर जार में ले लेना है। इसके अंदर हम हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसके ढक्कन को बंद करके हमने इसे पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं एकदम फाइन पेस्ट बनके तैयार हुई है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हमने रवा ली है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके रवा डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अभी भी ये बहुत पतला है, इसके अंदर हम थोड़ा सा रवा और ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा गेहूं का आटा ऐड करेंगे, इससे ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा और हमारी पूरियां अच्छे से बन पाएंगी। तो पूरी बनाने के लिए हमारा आटा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा लेंगे जिससे ये हाथ में चिपके ना। आइए अब हम पूरियां बना लेते हैं। हमने यहाँ पे आटे का पोर्शन ले लिया है, इसे इस तरह से हमने रोल कर लेना है। अब इसे आप बेलन से भी बना सकते हो और हाथ से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे बेलन से बनाएंगे। इस तरह से सूखा आटा लगा के हमने एकदम हल्के हाथ से इसे बेलना है। इसे ज्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा ही रखना है इसे। तो आप देख सकते हैं हमारी पूरी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप बिना बेले भी ये हाथ से बना सकते हैं। इसके लिए हमने हाथ पे इस तरह से आटे का पोर्शन ले लेना है और इस तरह से इसे हाथ से फ्लैट करते जाना है दबाते हुए। तो आप देख सकते हो हमारी ये पूरी भी बनके तैयार हो चुकी है। तो आइए अब इन पूरियों को हम फ्राई कर लेते हैं। हमने यहाँ पे तेल को गरम करने रख दिया है। पूरी को हम तेल में डाल देंगे। धीरे धीरे अपने आप ही पूरी फूल कर बाहर आ जाएगी।
तो आप देख सकते हैं पूरी एकदम अच्छे से फूल गई है। इसी तरह हमने दोनों तरफ से इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। इन पूरियों को हमने धीमी आंच पर फ्राई करना है जिससे ये एकदम क्रिस्पी बनेंगी। तो पूरी फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने सारी पूरियां बना लेनी है। तो लीजिए, बचे हुए चावलों की क्रिस्पी गर्मा गर्म पूरियां तैयार हैं। तो हमारी आज की ये रेसिपी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।